गुड मॉर्निंग ऑल। अभी हम सुबह का ब्रेकफास्ट करने आए हैं नीचे। लेट मी शो यू द मेन्यू। यहाँ पे आपको जूसेस मिल जाएगा एंड ये है लाइव वेफल पैनकेक। तो ये बेसिकली एगलेस है, आप मिक्स एंड मैच जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे आप करा सकते हो। एंड अभी हम अंदर जाते हैं। हर्ष ऑलरेडी अंदर चला गया। एंड इसका टाइमिंग है 7 से 10। हमारी नींद ही नहीं खुली, हम 9 बजे ही उठे। और ये है चाय काउंटर। यहाँ पे सब कॉर्नफ्लेक्स एंड एवरीथिंग सब है, मिल्क एंड हॉट मिल्क। और उसी के साथ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे सब कुछ नॉट्स एंड सीड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे है पूरी एंड भटूरे, छोले, सोटे वेजिटेबल, सूजी का हलवा, पोंगल, पराठे। यहाँ पे चटनीज है, कैंडीज, मार्शमेलो, कपकेक्स है। यहाँ पे सब अलग अलग वैरायटी के वीगन, फिर ग्लूटन फ्री ब्रेड एंड केक्स है, टी केक्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे लाइव डोसा एंड उत्तपम काउंटर है। फिर यहाँ प्याज की कचौरी और मिसल पाव, फिर इडली, सांभर, और अभी मैं सामने का काउंटर दिखा देती हूँ एक बारी। एक्सक्यूज मी। और ये वाला यहाँ पे नॉन वेज का काउंटर है। अगर नॉन वेज से बिलोंग हो तो आप ये खा सकते हो। और एक यहाँ पे मैं देख रही हूँ पोहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। पोहा एंड कुछ तो पेरी पेरी पोटेटो और बाकी सब चिकन हैम, सलामी, बॉइल्ड एग, सॉसेजेस, ये सब है। फिर हम सामने के काउंटर में आते हैं तो यहाँ पे फ्रूट्स है, होल फ्रूट्स है, यहाँ पे कट फ्रूट्स है। फिर अगर यहाँ पे आगे जाते हैं तो फ्रेश जूस है, उसमें एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट है एंड वाटरमेलन है। फिर यहाँ पे फ्रेश क्यूकम्बर का है, ऑरेंज एंड सिनेमन डिटॉक्स वाटर है। फिर ये एग वाली ब्राउनी, देन बनाना टी केक एंड फ्रूट टी केक। यहाँ पे बहुत सारे डोनट्स, मतलब बहुत सारी बेकरी की भी आइटम्स है, लोफ्स है, फिर जूस है, मिल्क जूस, चीज़ के क्यूब्स है, बटर है, ब्रेड जाम, मसाला छाछ एंड स्वीट लस्सी। तो ये जो एरिया है ब्रेकफास्ट या फिर मतलब जो डाइनिंग एरिया है उसके आगे जाओगे तो ये एरिया दिखेगा आपको। बहुत अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे और मौसम भी बहुत अच्छा है। मॉर्निंग का भी जस्ट 10 बजने को आएंगे एंड सी द वेदर। यहाँ पे पीछे वाओ, सी द साउंड। So pretty and सुन के बहुत रिलैक्स होता है, बहुत कामिंग साउंड है वाटर का। तो कुछ इस तरीके का एरिया है यहाँ पे। एंड आगे जा रहा है हर्ष एंड ध्रुव। और रात भी आज हो रहा है हमारा चेकआउट। Thank you Harsh for everything. I love you. I love you too. अभी हम चेकआउट कर रहे हैं एंड मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है विच आई वॉन्ट कि अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। सो एक्टिविटीज़ के अंदर रहता है कुकिंग, फिर मिक्सोलॉजी, सुबह ट्रैकिंग भी रहता है 7 to 8 AM के अराउंड, फिर ट्रैकिंग भी है इन केस इफ़ यू वांट, यहाँ पे स्पा भी है तत्वा करके, और जो भी रेडिसन ब्लू है उसमें तत्वा करके ही जो स्पा रेट है या फिर जो भी उनका रेंज है वो सब सेम ही रहता है, चाहे आप रिजोर्ट लो या फिर होटल लो। दैन यहाँ पे पूल पार्टी भी है और फिर सिनेमा का जो एक्सपीरियंस रहता है बाहर आपको लॉन्च में, वो बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ आपको सिनेमा का एक्सपीरियंस देते हैं। बट यस्टरडे क्या हुआ ना, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर था तो उसके हिसाब से वो उन्होंने रात को फिर डीजे पार्टी लगा दी, तो हम लोग नहीं गए बिकॉज बेबी बहुत ही छोटा था एंड उसके लिए वो साउंड इफेक्ट करता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि 60 dB के ऊपर का साउंड 2 साल के छोटे बच्चों के लिए अलाउड नहीं होता, उसके ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर हम ज़्यादा साउंड वाली जगह पे नहीं जाते हैं। तो अभी हर्ष चेकआउट करें, लेट मी शो यू। बंदे जो इतने रूड बिहेव कर रहे थे, मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। He's sharing his experience because food is below average, like lunch and dinner food is below average, breakfast is very good but lunch and dinner we didn't satisfied। Like we had a very bad experience in dinner when the food comes with the baby, so they have given very cold rice, which is not we cannot afford for their sake of rules and regulations we cannot compromise with baby's health। She agree and managers too। So what I'm telling the daily summer experiences, so these two are exercises, I mean like experiments they are giving to you। So any of you want to experience this kind of activities, please opt it out। I will say sorry for it because it's very bad। Thank you so much, thank you so much, sleeping really। जेस्चर वो बहुत अच्छा था, आई रियली लव्ड इट। जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ बोला एंड हमको एक रिटर्न गिफ्ट दिया, सच अ स्वीट जेस्चर है उससे। ओके अब हम जा रहे हैं फन होटल में, एक्चुअली हमको डेला में जाना था बट जो हमको रूम चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, वो 9th को ही अवेलेबल था, 10th को नहीं था। हमको कैंप चाहिए था, कैंप अवेलेबल नहीं था, सो वी हैव डिसाइडेड कि वी वहाँ नहीं जाके हम फॉल में एक्सपीरियंस ले लेते हैं। और नेक्स्ट का भी मन किया एक वन नाइट स्पेंड करने का, तो हम डेला रिजॉर्ट में आएंगे। इस वे भी बहुत छोटा है, वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ रहती हैं। सो अभी हम जा रहे हैं फन में एंड जो भी एक्सपीरियंसेस रहेगा फन में भी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड वहाँ पे हमारा जो पैकेज है वो हेजलनट स्वीट के साथ है, रूम वगैरह सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और जो हमारा पैकेज है उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट और इधर लंच और डिनर इंक्लूड रहेगा। सो अभी हमने भर के ब्रेकफास्ट किया है, तो हमको नहीं लगता कि लंच अभी हम करेंगे एंड वी माइट ऑप्ट डिनर ओनली, नॉट लंच। सो लेट मी शो यू द व्यू ऑफ रोड। अमेजिंग वेदर है, कल भी बारिश आई थी इवनिंग के टाइम पे एंड आज का पता नहीं, वेदर बहुत ही क्लाउडी है। अभी पुणे में तो ऐसा वेदर आए दिन रहेगा मॉनसून सीजन में। कभी मन किया तो जाएंगे गोवा। He is always smiling when he listens to Goa। He'll imagine the casino when we say Goa। और जो रोड वगैरह है ना इतना नीरो है और ऐसा ही घर है तो हमको ऐसा लगता है कि ये गोवा का ही रास्ता है और गोवा ही हम जा रहे हैं। बट बीच का जो रन है वहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल है जो अंबोली वाटरफॉल के नाम से बहुत फेमस है, वो मिस होता है ये वाले रन में। बट हाँ आप देख सकते हैं बहुत ही नेरो है और बहुत ही घने जंगलों से एकदम घिरा हुआ रन है। रियली एंजॉय इट। सारी वैरायटी कोकन सॉर्बेट घास फिर शिकंजी वर्जिन मोहितो आम पन्ना। सो हर्ष ने वर्जिन मोहितो बोला। ओके मेरे लिए कोकन सॉर्बेट। ये है मेरा कोकन डिलीशियस। सो ये है उसकी लॉबी एंड ये हमारा लास्ट रूम है और लेट मी शो यू। एंटर होते ही आपको यहाँ पे लगेज का ऑप्शन मिल जाएगा रखने का। सो हियर इट इज। ओके नाउ अगर आप यहाँ पे ये ओपन करोगे ये वाला जो आपका बाथरूम है, मिरर फिर ड्रायर यहाँ पे फिर कीट है बायोटिक की एंड टिश्यू देन वॉश बेसिन टॉवल्स है। ये वाला बाथ टब है एंड यहाँ पे कमोड एरिया एंड टेलीकॉम सर्विसेज ऑल्सो हियर। एंड अगर आपको कुछ ऐसे बाथ लेना है तो ऐसे भी ले सकते। तो उसका भी एक सेपरेट एरिया दिया है लाइक दिस। एंड इसके एग्जिट सामने वार्डरोब है। यहाँ पे आपको फुल मिरर दिया गया है। हेलो ओके लेट मी ओपन दिस। ये ओपन करते तो आपको यहाँ पे हैंगिंग का मिलेगा और यहाँ पे लॉकर वगैरह सब पड़ा है। और ये वाला भी एरिया वार्डरोब का ही है। बहुत बड़ा वार्डरोब दिया है इन लोगों ने। मुझे नहीं पता ये रूम का एक्चुअली नाम क्या है, हर्ष को मालूम है उसने बुक किया है। सो यहाँ पे केटल एंड वाटर बॉटल है। उन्होंने यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करके कांच का बोतल में पानी भर के दिया है। यहाँ पे ट्रे है जिसमें बहुत सारी रेडीमेड टी फिर मिल्क पाउडर कॉफ़ी शुगर्स। ये ड्रॉर है, इसके एग्जैक्ट नीचे कैबिनेट है और कैबिनेट के नीचे यहाँ पे छोटू सा गोदरेज का और रेफ्रिजरेटर दिया गया है। फिर ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये इनचार्जेबल है तो उसका यहाँ पे प्राइजेस मेंशन्ड है। हाँ तो ध्रुव बहुत रो रहा था तो मैं उसके पास गई थी। एक दो बार उसको सुलाया बट वो उठ रहा है। तो ये है स्पा का मेन्यू, बॉडी मसाज हेड मसाज और जिस तरीके का बॉडी पॉलिशिंग जो कुछ आपको पसंद आप ले सकते हो। फिर ये पूरा उसका रेस्टोरेंट का मेन्यू है लीफ एंड स्टॉक। ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेन्यू। यहाँ पे स्टडी डेस्क है और टीवी है एंड जैसे मैंने पहले बोला कि सोफा कम बेड है। और यहाँ पे हर्ष को वापस थर्ड टाइम वापस और सुला रहा है, दो बार मैंने सुलाया। और ये हमारा पूरा रूम है। एंड ये कौन सा हमने बुक किया है, कौन सा वेरिएंट है? ओके हेजल स्वीट एंड विद बाथ टब एंड माउंटेन बालकनी। तो कुछ इस तरीके की बालकनी हमको मिल रही है यहाँ पे। अभी तो 2 बज रहे हैं बट व्यू इज ऑसम। ओके राइट नाउ वी आर गोइंग टू मैप्रो। यहाँ पास में ही है। मैप्रो का गार्डन नहीं बट मैप्रो का कुछ तो स्टोर वगैरह है। लेट्स सी विल गोइंग। हेलो हाय हाय। राइट नाउ इज 4 PM और हम एक दो जगह और प्लान कर रहे हैं जाने का आफ्टर मैप्रो। तो देखते हैं वहाँ पे हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वी डोंट नो। सो एक तो है बुशी डैम एंड दूसरा है कौन सा टाइगर पॉइंट या टाइगर पॉइंट और बुशी डैम। लेट्स सी कितने प्लेस हम विजिट कर पाते हैं। ओके वी आर हियर एट मैप्रो। क्योंकि 500 सिर्फ 1 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप बाई कार आ रहे हो तो तुरंत एकदम जल्दी पहुंच जाओगे। बहुत सारी पब्लिक है। हमने रास्ते में चाय भी पी क्योंकि इवनिंग का टाइम है चाय पीने का, तो चाय भी पी ली। पब्लिक भी बहुत अच्छी खासी पब्लिक है एंड आई गेस गार्डन जैसा भी है बाहर कुछ तो दिख रहा है। अभी सीधा हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। और अगर मैप्रो आ रहे हो तो अब स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम मस्त मस्त है, खाना तो बनता है। यहाँ पे कुछ शूटिंग पॉइंट भी दिया गया है। और यहाँ से मैं देख पा रही हूँ सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल जो ओरिजिनल महाबलेश्वर का जो मैप्रो गार्डन है वैसा ही है। सेम सीटिंग नहीं यहाँ पे सब फ्रूट बार्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चॉकलेट्स और उसके पैकेट्स है। सपोज ये आपको लेना है एक पैकेट, ये एक बंच से मल्टीपल फ्लेवर्ड है, वो 585 का है। फिर यहाँ पे सिंगल भी है। यहाँ पे ना बच्चों को ऐसे पहना के उनको ऊपर जाना होता है, फिर नीचे गिरा के उनके हाथ में जितनी चॉकलेट्स आएगी वो उसकी हो गई। फिर heading towards dinner, so it's included in our package. Okay, let me show you the menu first. First two are a non-veg. Then this is pickle. फिर यहाँ पे लहसुनी पालक पनीर है, फिर सब्ज़ हालफर्जी, कोफ्ता करी है, फिर यहाँ पे वेज इन बेसिल सॉस, यहाँ पे पास्ता है इन बीफ सॉस, यहाँ पे बॉन्ड गार्लिक नूडल, फिर दाल मखनी, दैन हैदराबादी दम बिरयानी, फिर यहाँ पे प्लेन स्टीफन राइस है, पापड़ भी, या यहाँ पे अखरोट का हलवा है और वहाँ पीछे रोटियाँ भी हैं। ये मैंगो चीज़ केक सेट केक है, यहाँ पे आइसक्रीम्स की वैरायटी है एंड ये है पेस्ट्री काउंटर। यहाँ पे सलाड्स एंड और सूप्स की वैरायटी है। ये नॉन वेज है और ये वेज वाला है, तो वेज में है वेजिटेबल मंचाओ सूप और यहाँ पे सब सलाड्स वगैरह है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी नाश्ता में है कट फ्रूट्स, उसके साथ यहाँ पे मिल्क शेक्स है, स्वीट लस्सी, बटर मिल्क, क्रैनबेरी कैंड जूस एंड बटरस्कॉच मिल्क एंड वाटरमेलन जूस। फिर यहाँ पे मिलेट एंड स्वीट ब्रेड है, उसी के साथ बहुत सारे यहाँ पे जैम्स रखे हुए हैं, ब्रेड्स हैं, अगेन बटर एंड जैम, टोमेटो केचप है। यहाँ पे वेनिला चॉकलेट कप केक है, डोनट है, फिर पोहा, फिर चना, यहाँ पे प्लेन पराठा है, फिर साबुदाना खिचड़ी है, पाइनएप्पल हलवा, दैन बेक्ड बीन्स और उसके साथ ग्रिल्ड टोमेटो है, यहाँ पे चटनी है और ये मेदू वड़ा और मिर्ची वड़ा, फिर मिक्स वेज इडली, दैन यहाँ पे गन पाउडर एंड ससमी ऑयल है, सांबर है, टोमेटो चटनी एंड कोकोनट चटनी विथ आइसक्रीम्स। यहाँ पे है लाइव काउंटर्स, एक टू ऑर्डर पैनकेक, चॉइस ऑफ डोसा, उत्तपम एंड पराठा, आलू एंड गोभी, जो मैंने वहाँ पे काउंटर पे दिखाया था, तो यहाँ पे आपको लाइव मिलेगा। यहाँ पे अगेन चटनी है और दही है और पैनकेक के ऊपर आपको अगर क्रीम डालना है फ्रेश क्रीम तो। यहाँ पे बेकरी आइटम्स भी है और साथ में एग्स है एंड चिकन सॉसेजेस है, but these all four items including eggs, so we cannot eat. And यहाँ पे जो ये वाला काउंटर है मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे चाय एंड मिल्क एंड कॉफी पाउडर रखा हुआ है with lots of sugar and पीछे ना सलाड्स एंड चीज़ क्यूब्स रखे हुए हैं और यहाँ पे चिया सीड्स एंड डिटॉक्स वाटर सब कुछ रखे हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, फ्लेक्स सीड्स है एंड चोकोस एंड कॉर्नफ्लेक्स है, ये सब चीज़ें। सो फार इट्स वेरी गुड ब्रेकफास्ट, लेट्स इट। Hi. Hello. Good morning. Good morning. ध्रुव सोया हुआ है। आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, कमेंट करिए अगर आपके पास कोई है, या फिर आप डीएम भी कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए आईडी पे। एंड मिलते हैं जल्द ही ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।